नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला। आज मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस देश में, इस देश की इस सिचुएशन में अपनी जान की एक बूंद भी परवाह किए बिना हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए इस क्राइसिस में एक क्षण मात्र भी सोचे हुए ना अपने बारे में, ना अपनी फैमिली के बारे में, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए वो आगे बढ़ के आए, अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना, अपनी फैमिली की लाइफ की परवाह किए बिना, हमारी लाइफ को बचाने के लिए, हमारे लिए कि हमारा कुछ अच्छा हो सके, आगे बढ़ के आए हैं। तो ऐसे सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं आप सभी को आज के दिन एक एहसास भी दिलाना चाहता हूँ जो कि इस समय बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के मेंटल स्टेटस को समझना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन कैसी भी हो, दो ही वक्त होता है हमेशा, एक दुख का वक्त होता है, एक खुशी का वक्त होता है। खुशी का वक्त सभी लोग दिखाई देते हैं, बट दुख के वक्त में बचपन से पढ़ते आए हैं जो आपके साथ खड़ा मिले वही आपका साथी है। तो इस समय पे जो ये कोविड की सिचुएशन जो चल रही है, इस समय में सबसे बड़ा जो सहयोग हो सकता है वो ये बस हो सकता है, कोई अगर दुखी है, कोई परेशान है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, जो कि है, किसी ने अपने परिवार में किसी को खो दिया, किसी कोई इन्फेक्टेड है, कोई लॉकडाउन में अकेलापन बहुत महसूस कर रहा है, कोई शारीरिक रूप से बहुत पीड़ित है, कोई मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, किसी की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन बेकार हो चुकी है, किसी के यहाँ जो अर्निंग सोर्स था वो उनको छोड़ के जा चुका है। इस समय पे सबसे बड़ा योगदान दो ही हो सकता है। एक योगदान, जो सबसे बड़ा योगदान है, आप मेंटली सहयोग करिए लोगों का। आपको पता है जब कोई दुखी होता है, जब कोई रोता है, कोई परेशान होता है और बगल से आके कोई इंसान उसके कंधे पे सिर्फ अपने हाथ को ऐसे रख देता है, उसको जो अनुभूत होती है, उस अनुभूत को आप तभी महसूस करोगे जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है। आप कभी भी दुखी रहो, आप कभी भी जब दुख में जाते हो, आप परेशानी में होते हो, मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हो, सिर्फ एक शब्द की जरूरत होती है। कोई एक इंसान आता है, आपको सिर्फ इतना कहता है, चल कोई बात नहीं यार, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। एक हिम्मत आती है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो सबसे पहले मैं उन सभी देशवासियों को जो भी हमारे लिए अपने आप के बारे में ना सोचते हुए आगे बढ़ के आए और हमारे लिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं, लगे थे, लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे, चाहे वो फिर पुलिस विभाग से हो, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे वो मेडिकल विभाग से हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी को। बहुत काम कर रहे हैं, अपने बारे में बिना सोचे हुए काम कर रहे हैं। 99% से प्लस लोग इस फील्ड के इस टाइम पे सब कुछ भूल के सिर्फ आपके लिए खड़े हैं कि हमारा देश जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस मुसीबत के दौर से निकल जाए। उनके बारे में सोचिए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम उनके लिए अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, लेकिन उनको धन्यवाद जरूर बोल सकते हैं। अपने मन में उनके प्रति एक ऐसी फीलिंग ला सकते हैं कि उनको कुछ मिलता नहीं किसी को। जब भी आप किसी के वर्क को, किसी भी चीज को जो वो कर रहा है, उसको कोई अप्रिशिएट करता है ना, जस्ट उसको एक अच्छी फीलिंग आती है, एक हैप्पीनेस दिखाई देता है। चलो कोई बात नहीं, उसको एक हिम्मत मिलती है और अच्छा उसमें करने की, उसको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो उस हिम्मत के हकदार वो हैं, उस मोटिवेशन के, उस एप्रिशिएशन के वो हकदार हैं। चाहे फिर वो हमारे घर के पास या आपकी सड़कों पे या कहीं पे भी जो सफाई कर्मी है, मेरे घर पे आते हैं, कूड़ा उठाने आते हैं। मैं उनसे एक दिन ऐसे पूछ लिया कि तुम लोग क्यों, मतलब कि इस लॉकडाउन में भी क्यों लगे हुए हो, क्या करें, अगर वो छोड़ देंगे ना तो क्या होगा, सोच के देखो। तो चाहे वो पुलिस सेवा से हो कोई, चाहे आर्मी से हो, चाहे मेडिकल से हो, चाहे फूड डिलीवरी, लोग फूड प्रोवाइड करा रहे हैं इस टाइम पे भी, इस सिचुएशन में भी, चाहे वो डिलीवरी बॉयज हो, चाहे आपका कोई रेस्टोरेंट ही क्यों ना हो, इस सिचुएशन में जो भी आपके लिए खड़ा है, आप सबको उसको थैंक यू बोलना चाहिए और मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मेरा थैंक यू बहुत छोटा सा होगा उनके लिए,
लेकिन हाँ, मुझे जो फील होता है मैं उस चीज को एक्सप्रेस कर रहा हूं आपके सामने। तो ऐसे सभी लोगों को जो देश में फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं हमारे कोविड के, उन सबको, आप सबको भी धन्यवाद बोलना चाहिए। उनके बिना संभव नहीं है, चीजें पॉसिबल नहीं है। आज के समय में आप सोच के देख लो, इस क्राइसिस में सबसे बड़ा योगदान कैसे आप डिसाइड करो किसने किया है। यही ये फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स ना, ये हमारे लिए गॉड की तरह काम कर रहे हैं। ये हैं हमारे हीरो, ये हैं हमारी इंस्पिरेशन, जो बिना कुछ सोचे समझे। क्योंकि जिंदगी में आपने हमेशा एक चीज सोचा होगा, हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, जान से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। इनकी भी जान है, इनकी भी फैमिली है। कितने सारे ऐसे मैं रोज न्यूज में देखता हूँ, डॉक्टर्स हैं, हेल्प करते करते, इलाज करते करते खुद कोविड पॉजिटिव हो जा रहे। कितने लोगों की डेथ हो गई, डॉक्टरों की, कितनी नर्सेस की डेथ हो गई, कितने सारे लोग उनकी हेल्प करते हुए दिन रात वो माहौल देख रहे हैं। आप सोच के देखो, कोई इंसान दिन भर रात भर सिर्फ यही देख रहा है कि जी रहा है कोई, मर रहा है कोई, उस पूरे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में वो हमेशा रह रहा है। स्टिल ही इज अ पॉजिटिव, स्टिल ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। बहुत ज्यादा ही और शी बहुत पॉजिटिव पर्सन है, वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। उस नेगेटिव एनवायरनमेंट अपने आप को डाल के देखो, हमें एक छोटी सी चीज होती है, कुछ हमारे साथ, हमारा एक एग्जाम नहीं निकलता, हमारी सैलरी टाइम्स नहीं आ पाती, आप देखो कितना परेशान हो जाते हैं। एक नेगेटिव एनवायरनमेंट, आपको चार आदमी किसी के बारे में जब नेगेटिव बोलते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है। सोचो वो कितने नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग सुपर्ब एंड दे आर द रियल हीरोज। वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हमारा थैंक यू उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम आप सभी मिलके उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनके वर्क को अप्रिशिएट करेंगे, उनको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, उनको एक मेंटल सपोर्ट आपको मिलेगा। तो मेंटल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो आपके आसपास भी जितने लोग हों, आप अगर कुछ नहीं कर सकते, नोबडी इज सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पैसे की मदद करिए, ये मदद करिए, वो मदद करिए, लेकिन मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, किसी के कंधे पे बस हाथ तो रख सकते हैं ना, कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। आज ये जो अंधकार चल रहा है, एक दिन सुबह भी होगी, रोशनी भी आएगी। लेकिन इस अंधकार के समय में ये जो रात हो रखी है, ये जो दुख का माहौल है, ये जो हाहाकार मचा हुआ है, इस समय में आपका मजबूती के साथ खड़े रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग होना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बीमार है, कोई कोविड से पीड़ित है, किसी के परिवार में, आपको पता है हमारे कितने सारे ऐसे लोग जिनके साथ हमारा एक घनिष्ठ रिश्ता था, जिनके साथ हम समय बिताते थे, जिनके साथ हम अपनी खुशियां बांटते थे, अपने दुख बांटते थे, ऐसे लोग हमें छोड़ के चले गए। आपके परिवार में कितने लोग ऐसे छोड़ के चले गए, किसी के माँ बाप छोड़ के चले गए, किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी के फ्रेंड चले गए, सिर्फ इस वायरस की वजह से। आज उनको आपके सपोर्ट की जरूरत है, आज उनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, सपोर्ट का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता, सपोर्ट का मतलब मेंटल सपोर्ट भी होता है। आपका कोई भी दोस्त, आपकी कोई फैमिली, आपका कोई भी जानने वाला, जिसके घर पे, जिसके यहां पे ऐसी कोई भी सिचुएशन हुई हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप उनसे बात करिए, उनको मेंटल सपोर्ट दीजिए और उनको एक एहसास दिलाइए कि आप उनके साथ खड़े हो। आप समझ नहीं सकते, उससे बढ़ के कोई सपोर्ट नहीं हो सकता, उससे बढ़ के कोई सपोर्ट नहीं हो सकता। किसी की फैमिली में जब कोई जाता है, जब कोई आता है, बस इतना सा कह देता है, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। यहां बस कंधे पे एक हाथ रख के बस इतना कोई बोल देता है, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। आप समझ सकते हो कितनी पॉजिटिविटी आती है, एक हिम्मत आती है कि ठीक है, भगवान को यही मंजूर था, हो गया, बट मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ के आऊंगा और इस सिचुएशन से उबर के दिखाऊंगा। किसी के परिवार में चार पांच लोग होते हैं, आपको पता है हमारे देश के मैक्सिमम फैमिली में ज्यादातर केस में आपको दिखेगा, अगर तीन चार का परिवार है, पांच का परिवार है, अर्निंग मेंबर एक होता है। आप सोच के देखो, ऐसे किसी परिवार में अगर उस अर्निंग मेंबर को भगवान ने अपने पास बुला लिया, उसके फैमिली को किस तरीके का सपोर्ट की जरूरत है। सबसे पहला सपोर्ट उसको मेंटल सपोर्ट देना है।
उसको एक पॉजिटिविटी उसके अंदर डेवलप करनी है, तुमको खड़े होना है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपकी जानकारी में जो भी ऐसे लोग हैं, आप फिजिकली नहीं मिल सकते, आप फोन कॉल कर सकते हो, आप उनको एक मेंटल सपोर्ट दीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। आपको भी कभी जरूरत होगी, आपको भी यही एहसास होगा, इस एहसास को समझने की कोशिश करिए, मेंटली सपोर्ट करिए। तो मैं उन सभी के साथ खड़ा हूं और मैं ये उनको एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपको बहुत दुख हो रहा है, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुके हो, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई विल टॉक टू यू, आई विल टेक स्टैंड जस्ट फॉर यू, डोंट वरी, जस्ट बी पॉजिटिव। तो मैं ऐसे सभी लोगों को जिनके घर में परिवार में कोई लॉस हो गया, उसको मैं फुलफिल नहीं कर सकता, जो चीज चला गया, जो इस दुनिया से चले गए, उनको वापस नहीं लाया जा सकता, वो भगवान पास चले गए, हम सिर्फ उनकी आत्मा की शांति की बात कर सकते हैं। लेकिन जो हैं, जो हमारे सामने हैं, जो हमारे रिश्तों में नहीं है, स्टिल कहीं ना कहीं हमारा आपके साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, एक बॉन्डिंग बनी हुई है। तो ऐसे सभी जेनिक फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, जिसके साथ भी, जिसके भी परिवार में, जिसके भी रिलेटिव में, जिसके भी फ्रेंड सर्किल में, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है, बी पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड, स्टे काम। और आपको कभी भी एहसास अगर होता है कि पंकज सर से बात करके, पंकज सर से थोड़ी देर अगर फोन पे बात हो सके, पंकज सर से थोड़ी देर चैट कर लूं, तो मुझे एक सपोर्ट मिलेगा, मुझे एक मेंटल सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल आप कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम। यहां मैं एक मेल आईडी भी देने वाला हूं, आप कभी मुझे मेल कर दीजिएगा अपने नंबर के साथ, आई विल डेफिनेटली कॉल यू, दैट इज माय प्रॉमिस। मैं आपके बगल ही खड़ा हुआ मिलूंगा, मैं अपना हाथ बढ़ाना चाहता हूं, आप अपना हाथ बढ़ाइए। और ऐसे में सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, एक बार अपना हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, ऐसे लोग सपोर्ट करिए, मेंटली सपोर्ट करिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं कह रहा हूं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं कि आप उनको पैसे दीजिए, ये दीजिए, काफी लोग इस वजह से पीछे हट जाते हैं। अरे भाई नहीं, हर चीज पैसा ही नहीं होता, मेंटल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है। उनके लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन क्रिएट करिए, एक पॉजिटिविटी डेवलप करिए। टूट चुके हैं, उनको आपकी जरूरत है, आपके सिर्फ इस हाथ की जरूरत है उनके कंधे पर रखने की, दैट्स इट। तो आप करिए, मतलब बहुत जरूरी है, ये सोसाइटी हमारी है, ये सोसाइटी हम लोगों से मिलकर बनी है, कोई अलग चीज नहीं है, सब हमारे ही लोग हैं, हमारी ही कंट्री, हमारा ही देश है, हमारे ही लोग हैं, तो हम सबको मिलकर इनका सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में किसी को भी, जेनिक फैमिली का कोई भी मेंबर हो, नॉन जेनिक फैमिली का कोई मेंबर हो, आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, आपको मैं मेल आईडी ये लिख रहा हूं पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, आप बिल्कुल मुझे मेल करिए, आपको मैं डेफिनेटली आपको कॉल करूंगा, आपसे मैं बात करूंगा। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो, डोंट वरी। लास्टली, जो लोग, कई सारे लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है कि उनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, वो एक प्रॉब्लम में है। आप समझते हो, इस टाइम पर अगर किसी को बस ये पता चल जा रहा है ना, टेस्ट हुआ और उसका कोविड पॉजिटिव आ गया, 50% तो नेगेटिविटी माइंड तुरंत चली गई, उसके दिमाग तुरंत थॉट आने लगते हैं, क्योंकि हम ऐसा माहौल डेली देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं हम लोग कि काश मेरे मैं मर ना जाऊं, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है। अभी मुझे पता चले कि मेरे परिवार में किसी कोरोना पॉजिटिव हो गया, सबसे पहला थॉट आता है यार कैसे भी करके बचाना है, कभी ये नहीं आता अरे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं आता, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग। जो सिचुएशन डेली देख रहे हैं, रोज इतने लोगों की डेथ हो रही है, इतना न्यूज खोलो, कोई भी चीज खोलो, इस टाइम वही देखने को मिल रहा है, तो एक नेगेटिव माइंड आपके अंदर भी डेवलप हो चुका है, उसको पॉजिटिव कैसे बनाए? जब मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तभी उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हाथ बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, उनको एक पॉजिटिविटी दीजिए। मेंटली जितना स्ट्रांग होगा इंसान, एक कोविड पॉजिटिव अगर किसी का निकल भी गया है, उसका सबसे पहले जरूरी क्या है, उसका मेंटली पॉजिटिव रहना। और वो खुद नहीं रह सकता
खुद नहीं रह सकता। आप सोच के देखो, आप रह सकते हो मेंटली पॉजिटिव, नहीं रह सकते उस टाइम, उसको आपकी जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप उसके फ्रेंड हो, आप प्लीज उससे डेली बात करिए, उसको एक मोटिवेशन दीजिए, एक पॉजिटिविटी दीजिए, चल कोई नहीं यार, ठीक हो जाएगा, इट्स फाइन, कोरोना है, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले इतना। ये स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। यहां मैं देख रहा हूं लोग बात करना छोड़ दे रहे हैं, जैसे कोई पाप हो गया। तो एहसास, कहता हूं ना, एहसास इंसान को तब होता है जब उसके ऊपर खुद आती है। जब तक खुद नहीं आएगा कभी एहसास नहीं होता किसी चीज का। तो मैं पंकज शुक्ला, आज मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं, मैं ऐसे सभी लोगों को ट्रिब्यूट देना चाहता हूं जो लोग भी इस देश में, इस सिचुएशन में अपनी जान की परवाह किए बिना हुआ आप आगे बढ़ के आए और लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं। जिसके भी परिवार में या किसी भी रिलेशन में कोई लॉस हो गया है, मैं उसके साथ खड़ा हुआ रहना चाहता हूं। मैं अपने आप को दूर नहीं कर सकता। मैं यहां कमेंट बॉक्स में एक मेल आईडी आपको दे रहा हूं, आप सबको किसी भी तरीके का, आपको अगर सपोर्ट लगता है, आपको लगता है पंकज सर से बात कर सकते हैं, इससे मुझे एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी, तो प्लीज मेल में, मैं डेफिनेटली कॉल करूंगा, अपने मोबाइल नंबर साथ आप मेल करिएगा, मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा और मुझसे जितना हद तक हो पाएगा मैं आपके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए। आप सभी लोग जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन हमको उसमें हमेशा खड़े रहना है, पीछे नहीं हटना है। और जितने भी जेनिक फैमिली मेंबर्स हैं जो कभी न कभी किसी भी फॉर्म में जेनिक के साथ जुड़े हुए हैं, या नॉन जेनिक फैमिली मेंबर्स हैं और ऐसी किसी भी सिचुएशन से वो फेस कर रहे हैं, वो कोविड की वजह से उनके परिवार की फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्ट्रांग नहीं रह पाया है, या उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ लोगों को खो दिया है जिनसे उनका बहुत लगाव था, जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, पुलिस विभाग हो, आर्मी विभाग हो, सफाई विभाग हो, नगर निगम हो, आपके जितने भी लोग काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, मैं उन सब के लिए बोलना चाहूंगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन भी आप कर रहे हो और आपको जेनिक की जरूरत है, तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा, आप सिर्फ मुझे कमेंट करिएगा, आप सिर्फ मुझे कमेंट करिएगा, आपको आप अपनी मेल आईडी बताइएगा, आप सभी लोगों के एक मेल भी जाएगा, जितना प्रिपरेशन में हो सकता उतनी हेल्प करेंगे, जितना हमारे जो कोर्सेज हैं मैं ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली उतनी हेल्प करना चाहूंगा जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है, मैं अपनी लिमिट क्रॉस करके हेल्प करूंगा जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा, ऐसे भी जितने लोग बिलोंग करते होंगे। अगर आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट में, एसएससी जेई में, जो भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो आप, अगर फाइनेंशियली आपको लगता है कि चीजें अब मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे पहले थी, तो जेनिक आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। आप सब कोई बिल्कुल चिंता मत करिए, आराम से रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने आप को थोड़ा सा सांत्वना दीजिए, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। तो बस मैं यही बोलना चाहता था और आप सबको धन्यवाद करना चाहता था कि आप लोग देश के लिए हमेशा आगे बढ़ के रहेंगे और आगे भी आते रहेंगे और मुझसे जितना हो सकेगा मैं डेफिनेटली उस चीज को करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।